भारत हमेशा जियो और जीनो दो की नीति पर विश्वास करता है। हम सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते बल्कि दूसरों के हितों का भी सम्मान करते हैं। ऐसे में किसी तीसरे को मिर्ची लगे तो लगे, भारत ने अब इसकी फिक्र करनी छोड़ दी है। तभी तो जब फिलीपींस की संप्रभुता पर बात आई तो भारत बेधड़क उसके साथ खड़ा हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि फिलीपींस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाएगा वो सराहनीय होगा। अब इस पर चीन तिलमिला उठा है। उसने भारत को तीसरा पक्ष बताते हुए कहा कि हमारे विवादों में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। दरअसल मामला दक्षिण सागर में चीन फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मलीना में थे। वहां उन्होंने अपने समकक्ष एनरिक मामलों में साथ बैठक की और फिलीपींस की संप्रभुता को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन किया। इस बैठक में एक दिन पहले फिलीपींस के दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए चीन राजदूत को तलब किया गया था। चीन दक्षिणी चीन सागर के लगभग 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्री के फिलीपींस का समर्थन किए जाने से चीन इसलिए तिलमिला उठा क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी फिलीपींस के वैध समुद्री अभियानों के खिलाफ चीन की इस खतरनाक कार्रवाइयों की निंदा की थी। जयशंकर ने नियम आधारित व्यवस्था के सख्त पालन करने का आह्वान किया और फिलीपींस को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने समुद्र के संविधान के रूप में UNCLOS यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन 1982 के महत्व बताते हुए सभी पक्षों से इसका अक्षरशः पालन करने की अपील की। चीन इस पर भी चिढ़ गया, जबकि इस बार भारत और फिलीपींस के विदेश मंत्री ने जून 2023 में हुई बैठक के बाद दिया बयान नहीं दोहराया। उस वक्त तो फिलीपींस के साथ विवाद में चीन ने विस्तारवादी दावों का जोरदार खंडन किया था। तब दोनों विदेश मंत्रियों ने चीन से 2016 के कानूनी रूप में बाध्यकारी फैसले का पालन करने की अपील की थी। वह पहला वक्त था जब भारत ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के खिलाफ फिलीपींस का साथ दिया था। UNCLOS मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने न केवल बीजिंग की 9 डैश लाइन को बल्कि फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र की उसकी गतिविधियों को अवैध बताया है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में विशेष नजरिए के कारण इस इलाके में हरेक गतिविधि पर गहराई से नजर रखता है। उन्होंने कहा कि हम एशियाई के केंद्रीय महत्व सदस्य देशों के बीच सामंजस्य और एकता में प्रबल समर्थक है। हमें पक्का यकीन है कि इस क्षेत्र में प्रति और समृद्धि नियम आधारित व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित होगा। जयशंकर ने अपने फिलीपींस समकक्ष मामलों को लाल सागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र में सभी तरह के खतरों से निपटने की पूरी तैयारी है। वहीं ध्यान रहे कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और फिलीपींस संबंधों में गर्माहट आ रही है। दोनों देशों के बीच खासकर रक्षा क्षेत्र में आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत ने मनीला के सस्ते दरों पर लोन ऑफर किया है। व्यापार, रक्षा और समुद्री सहयोग के अलावा दोनों देश स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर भी पारस्परिक सहयोग कर रहे हैं। ENP टाइम्स की रिपोर्ट।